हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड यू आर वाचिंग द सोशल इंडियन। एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज काउंसलिंग बाकी है एंड दिस इज द एपिसोड 1 एंड वेलकमिंग यू ऑल। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्राइमली 3 पॉइंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर, आपके लिए लिस्ट आ गई है आपकी रैंक वाइज, अब उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। दूसरी चीज, हम यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान चाहिए होंगे। और तीसरी चीज की हम बात करेंगे कि आपका एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी, और अनअकैडमी ने अपना क्लैट प्लस की क्लासेस जो है वो यहां पर निकाली है। उनका सनराइज पैक है ₹99 में, और दिस इज ओनली नवंबर अपॉर्चुनिटी। अगर आप नवंबर के बाद जाएंगे तो शायद यहां पर आपके लिए कोड जो है या कोर्स की फीस जो है वो बढ़ जाएगी आपके लिए। एंड यू कैन ऑल सी द डिस्क्रिप्शन, यहां पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा कि टॉप एजुकेटर्स हैं वहां पर, आपके लिए लाइव क्विज होते हैं, स्पेशल लाइव क्लासेस भी होती है, और हाई क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पर ऑफकोर्स देखने को मिलता है। आप चाहें तो वहां पर शिरिल श्रॉफ जी का यहां पर एक स्पेशल इंटरव्यू भी है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपके लिए नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए जी, शुरू करते हैं और आपके लिए बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की, कि अब यहां पर आपके लिए क्या होने वाला है। आपके लिए यहां पर रैंक लिस्ट आपकी आ गई है, और आप सभी लोगों ने यहां पर देख लिया होगा आपकी कितना रैंक है कितना नहीं है। फोकस जो साइड में आपके लिए रैंक दी गई है उस पर मत कीजिएगा, फोकस अपने सीरियल नंबर पर कीजिएगा कि किस सीरियल नंबर पर आप आ रहे हैं। कैटेगरी वाइज अपनी रैंक को चेक करिए, कितनी कैटेगरी में किस आपकी रैंक कौन सी बन रही है। खुशी की बात ये होती है कि 350 से ऊपर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है। मैं भी कल लिस्ट देख रहा था, और यहाँ पर आपके लिए जो लोवेस्ट मार्क है वो 0 है। चलिए, अच्छी बात यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव में यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए कि लोग पढ़ रहे हैं, नेगेटिव वाले तो नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो लगभग ओवर 16,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। कैटेगरी वाइज अगर आप चेक करना चाहते हैं जी, चेक कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, फर्क ये पड़ता है कितने लोग उस एग्जाम को क्लियर करके आगे आए थे। अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद आपके लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। यहां पर आपके लिए कट ऑफ लिस्ट निकलना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही आपके लिए कट ऑफ लिस्ट निकलेंगी, मैं आपको कहूंगा कि आप अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही आपके लिए कट ऑफ लिस्ट निकलती है वैसे ही आपको यहां पर एडमिशन के लिए आना होगा। 2 या 3 दिन आपको दिए जाएंगे। अभी इस चीज की बात नहीं बताई गई है कि यहां पर काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से फिजिकल होगी या ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर अभी नोटिफिकेशन आएगी। एक चीज जरूर कहूंगा, ऑफिशियल सोर्सेज पे भरोसा कीजिए, ऐरे गैरे नत्थू गैरे किसी की भी बात मत सुनिए, यहां तक कि अगर मैं भी कुछ बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कहूं मेरी भी मत सुनिएगा। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर। जब आपकी लिस्ट आ जाएगी तब आपको क्या करना होगा, जैसे आपकी लिस्ट आती है आपको डेट्स दी जाती है कि इस दिन पर आपको आना है और यहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है। सिंपली काउंसलिंग आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए उनके ऊपर हम आते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान भी अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं हम आपके लिए वहां पर मिलेंगे। आपको चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहूं। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे जी। तो डॉक्यूमेंट आपको 8 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको होने चाहिए आपके पास। पहली चीज है आपके लिए DULLB का जो आपने एडमिट कार्ड आपके पास हो, चाहे आप LLM के लिए आ रहे हो, चाहे आप LLB के लिए आ रहे हो, आप किसी के लिए भी आ रहे हो, आपके पास एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए जिस एंट्रेंस का आपने यहां पर दिया है। उसके बाद दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो बहुत ही बेसिक सी चीज है, 10वीं क्लास हम सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और 10th की मार्कशीट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th की मार्कशीट आपके लिए होनी चाहिए, वहां पर आपका नाम, फादर नेम और आपके लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई की जाती है। उसके बाद तीसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब वैसे तो उम्मीद करूंगा आपका चरित्र अच्छा हो और अच्छा ही रहे, लेकिन ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो नॉट ओल्डर देन 6 मंथ होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना है इससे तो आप यहां पर उसे पहले बना लीजिए। फैकल्टी ने यहां पर एक ब्राउचर भी दिया हुआ है, वहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन से ऑफिसर्स के पास जाकर आप बनवा सकते हैं। अपने प्रीवियस स्कूल कॉलेज से बनवाना चाहें तो वो भी आपके लिए सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। उसके बाद चौथी चीज जो आती है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपकी क्वालिफाइंग डिग्री। जिस क्वालिफाइंग आपके लिए जो आप क्वालिफिकेशन आपने भरी थी DU के लिए, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। उसके बाद पांचवी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके लिए मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। जितने जितने सेमेस्टर हैं सभी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास सभी की मार्कशीट नहीं है, चिंता मत कीजिए, काउंसलिंग के टाइम पर आ जाइएगा, ठीक है। वहां पर आप अपना प्रोविजनली एडमिट करवा लीजिएगा अपने आप को, और जो भी डॉक्यूमेंट कम पड़े, मैं सिर्फ यहां पर मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास 1 या 2 या 4 डॉक्यूमेंट या सारे डॉक्यूमेंट भी ना हो, तब भी काउंसलिंग में जरूर आ जाइएगा और अंडरटेकिंग देकर चले जाइएगा कि मैं 10 दिन में जी, 15 दिन में, 20 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा।
फिर हम बात करेंगे जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, अभी उनके एग्जाम हुए थे लेकिन उनको ना तो डिग्री मिली है ना ही उनके रिजल्ट आए, वो क्या करेंगे जी। तो उनके लिए जी मार्क्स अपडेट करने पर भी यहाँ पर आपके लिए प्रोविजनल एक फॉर्म निकाला गया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भरा होगा और वहां पर आपने मार्क्स भी अपडेट करने वाला पोर्टल पे आपने अपनी सारी डिटेल्स भरी होगी। लेकिन अगर नहीं आया जी चिंता मत कीजिए, अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आपके लिए डिग्री और मार्क्सशीट आना तो नामुमकिन है, तो उसके लिए आपके लिए अंडरटेकिंग ली जाएगी। फैकल्टी को भी आज की सिचुएशन का पता है, ये पेंडेमिक है, सभी लोग ये समझते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे छठी चीज की बात करते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं, वो भी आपके लिए एसेंशियल। अगर आपने किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेना है जी, चाहे वो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी पीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी हो, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एक और चीज आपके लिए, अगर आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी जो है वो रिन्यूड होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्रीमी लेयर जो है वो हर बार रिन्यूड होती है, उसमें पता लगता है कि आप अभी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का हिस्सा है कि नहीं है। उसके बाद सातवीं चीज जो आपको चाहिएगी, वो चाहिएंगे आपके 8 सुंदर सुंदर चेहरे पर मुस्कुराते हुए, चलिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है लेकिन 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आपकी जरूर लगेंगी, उनको जरूर लेकर आइएगा। 8वीं चीज जो आपके लिए लगेगी वो लगेगी आपका एलएलबी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अगर आप निकालना चाहें तो आप उन्हें पोर्टल से भी निकाल सकते हैं, घबराइएगा मत कि मेरे पास तो है नहीं ये नहीं है, सब कुछ होगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, चिंता मत कीजिए। तो ये 8ों की 8ों चीजें अगर आपके पास है तो आप चिंता फिक्र होकर काउंसलिंग में आ सकते हैं। अब कौन कौन लोग काउंसलिंग के लिए तैयारी करें जी, तो अगर आपका सीरियल नंबर 1150 नीचे है, 1150 से नीचे है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 100% चांस है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1150 ऊपर वालों के चांस नहीं है, उनके भी चांस है, लेकिन वो लोग तो श्योर अपनी तैयारी रखें ही रखें। उसके बाद भी यहां पर मैं कहूंगा 2500 तक जिसका भी सीरियल नंबर है वो अपनी पूरी तैयारी रखना, क्या पता लोग यहां पर एडमिशन छोड़ दें कर दें, वो तो आपके लिए लिस्ट पर डिपेंड करेगा, कितनी लिस्टें आती हैं कितनी लिस्ट में एडमिशन फुल होता है एंटायरली उस चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब एडमिशन स्टार्ट कब होंगे जी, ये लोग पूछ रहे हैं और इसके लिए मैं कहूंगा अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है और नोबडी नोज कि कब से स्टार्ट होंगे। तो जो भी आपको बता रहा है प्रेडिक्ट कर रहा है, ऑफिशियल सोर्सेस पर इंतजार कीजिए कि कब आपको क्या क्या चीजें कही जाती है क्या नहीं कही जाती हैं, ठीक है। ओनली ऑफिशियल सोर्सेज को मानिए, ना माने आपकी मर्जी है, दुनिया की माने आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है, आप चला सकते हैं, ठीक है जी। तो एडमिशन कब स्टार्ट होंगे ये तो अभी चर्चा का विषय है, और जैसे ही स्टार्ट होते हैं मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और आपके लिए यहां पर यूट्यूब पर जहां पर भी आपको मिलेगा सभी सोर्सेज पर आपको यहां पर अपडेटेड रखूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपके लिए वर्थ शेयरिंग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक तो आप अपनी श्रद्धा से कर ही देंगे वो तो मुझे भरोसा है ही, ये बातें मैं नहीं कहता हूं। और आगे बढ़ता हूं, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा, जिन भी लोगों के जितने भी मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट कर भी मुझे बता सकते हैं, जितनी चीजें हैं मैं जरूर आपके कमेंट पढ़ना चाहूंगा। चलिए जी मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे कुछ बात करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू ऑल, ऑल द बेस्ट, काउंसलिंग अच्छी होगी जी, टेंशन मत लीजिए, काउंसलिंग अभी बाकी है लेकिन अच्छी होगी।